माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ उज्ज्वला। आज हम बनाने वाले हैं रगड़ा पैटीज। तो रगड़ा पैटीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रगड़ा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और सामग्री है। सफेद मटर लिए हैं जो हमने 6 से 7 घंटे भिगो लिए हैं और कुकर में 3 सीटियां दी हैं। बारीक कटी हुई प्याज ली है 2, बारीक कटा हुआ टमाटर 2, बारीक कटा हुआ धनिया 2 चम्मच, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, प्याज लहसुन चटनी 2 चम्मच, स्वादानुसार नमक, चाट मसाला 1 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच और बनाने के लिए तेल, 2 उबले हुए आलू बारीक कटे हुए। रगड़े के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मटर। अगर आपके पास सफेद मटर है तो ये रगड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो सफेद मटर को हमें 6 से 7 घंटे पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद कुकर में 3 सीटी होने तक पकाना है, इससे वो अच्छे से पकेगा। तो चलिए रगड़ा बनाते हैं। इसके लिए गैस पर कढ़ाई रखते हैं। इसके बाद हमें तेल लेना है थोड़ा सा, यानी कि चौपाटी व्यंजन में बहुत कम तेल लगता है, इसलिए इसमें प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और मटर के लिए भी काफी हो इतना ही तेल लेना है। मतलब 2 से 3 टेबलस्पून काफी होगा। ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे अलग अलग व्यंजनों पर डालकर इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा तेल की जरूरत है ऐसा नहीं है। तो चलिए प्याज और रगड़े के लिए काफी इतना ही तेल डालते हैं। अब मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तेल में एक बार गर्म होने के बाद इसमें पहले प्याज डालें, उसके बाद तुरंत इसमें टमाटर डालें, उसके बाद ही नमक मिर्च डालना है। रगड़े में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्याज और टमाटर अच्छे से भुन जाएं, मतलब नमक मिर्च डालने के बाद बहुत अच्छे से उसको फ्राई करें, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। तेल गर्म हो चुका है तो मैं प्याज डाल रही हूँ। रगड़े के लिए पहले प्याज डालना पड़ता है, उसके बाद टमाटर। प्याज और टमाटर अच्छे से भुने इस बात का ख्याल रखें। तेल में प्याज टमाटर डालने के बाद प्याज लहसुन चटनी, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अब ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लें आप। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रगड़े के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से भुनना चाहिए पहले, तभी रगड़े का रंग और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालना है, नमक मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट, ये सब एक साथ अच्छी तरह से इसमें भुनना चाहिए। स्वादानुसार नमक डालें इसमें आप। मटर हमने अच्छे से भिगो लिए हैं, इसके बाद हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें मटर डालिए। अब ये मसाला और मटर है दोनों अच्छे से भून लें आप। हमने उसे अच्छे से पहले ही पका लिया है, लेकिन फिर से एक बार इसे मसाले के साथ भूनें। मिर्च की वजह से अच्छा कलर आया है इसमें। इसके बाद हमें पानी डालना है, ये सब डूब जाए इतना। पानी की वजह से क्या होगा, पूरे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलेगा। अब हम यहाँ पर पाव भाजी स्मैशर यूज करेंगे। इससे क्या करना है कि मटर को दबाना है, मतलब मटर पूरा ना पिस जाए और अपनी फॉर्म में रहे। इसे हमने अच्छे से भिगोया है, उसके बाद पीस भी लिया है, उसके बाद फ्राई करते वक्त हम थोड़ा सा इसे स्मैश करेंगे। अब इसे मैं सिर्फ मसाले के साथ ही स्मैश कर रही हूँ और आलू और दूसरे मसाले जो है वो मैं बाद में डालूंगी। स्मैश करने के बाद हमें 2 उबले हुए आलू मैश करके इसमें डालने हैं। नमक मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और अब सिर्फ रह गया है चाट मसाला। चाट मसाला 1 चम्मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप धनिया जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद इसे 1-2 उबाल देने हैं। इसके बाद सबसे बाद में हमें धनिया डालना है। इसके बाद फिर से हमें मटर में, मतलब सब्जी डूबे इतना पानी डालना है, क्योंकि क्या है रगड़ा जो थोड़ा सा, मतलब पतला भी नहीं होता और बहुत गाढ़ा भी नहीं होता। इसी तरह से हमें रगड़ा बनाना है, उसमें आप धनिया जीरा पाउडर डालिए, चाट मसाला डालिए
तो लीजिए तैयार है हमारा रगड़ा। इसी तरह से हमें रगड़ा बनाना है हमेशा। इसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैटीज। तो पैटीज के लिए सामग्री है तैयार रगड़ा 2 कटोरी, इसके बाद 2 उबले हुए आलू कद्दूकस किए हुए, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 2 चम्मच, स्वादानुसार नमक और शैलो फ्राई करने के लिए लगने वाला है रवा। तो पैटीज की सामग्री हमने देख ली है, अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो एक प्लेट में उबले हुए आलू ले लें, आलू उबला हुआ ही लेना है, इसे पूरी तरह से कद्दूकस कर लें। इसमें स्वादानुसार नमक, इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च पेस्ट 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। जितनी ज़रूरत है उतना कॉर्नफ्लावर आप इसमें डालें मिक्सिंग के लिए। उसके बाद ये आलू इन मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। कॉर्नफ्लावर की जितनी ज़रूरत है उतना ही डालें, मतलब इसका गोला जब तक ना बन जाए तब तक आप डालते रहें और अच्छे से एक गोला तैयार कर लें। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और रवे में लपेट लें और शैलो फ्राई कर लें। छोटे छोटे गोले बना लें, रवे में इस तरह से लपेट लें और शैलो फ्राई करें। शैलो फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर पैन रखना है और टिक्की डूब जाए इतना ही तेल लेना है। शैलो फ्राई मतलब थोड़े से ही तेल में इसे फ्राई करना है। इस तरह से छोटे छोटे गोले बना के रवे में लपेट के और पैन में हमें इन्हें डाल देना है। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। ये पैटीज दोनों तरफ से सुनहरे हो जाने चाहिए। मैंने इन्हें सुनहरा होने तक तल लिया है, लेकिन अभी डिश पूरी तैयार नहीं हुई है। इसके लिए रगड़ा हमारा तैयार है और पैटीज तैयार है, इसके ऊपर हम दही भी डालेंगे। तो चलिए रगड़ा पैटीज की प्लेट सर्व करते हैं। प्लेट में हमें पैटीज लेना है, उसके ऊपर रगड़ा डालना है। अगर आप चाहते हैं तो रगड़े में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, मतलब सेमी लिक्विड जैसे हो जाएगा। इसके बाद हमें इसमें खट्टी मीठी चटनी डालना है। जो हमने इमली और गुड़ की चटनी बनाई थी वही। इसके बाद दही डाल रही हूँ रगड़े के ऊपर और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए तैयार है रगड़ा पैटीज। ये रेसिपी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सर्कल में इसे शेयर करें या लाइक करें। इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा टिप्स चाहिए या आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। तो और भी रेसिपीज देखने के लिए देखते रहिए माई इंडियन किचन।